हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मिस्टर का और मैं हूं सुमन। आज के हम लोग बहुत ज्यादा यम्मी सी चीज बनाने वाले हैं, बहुत ज्यादा क्लासिक सी भैया चीज है, बताई चलो देता हूँ। आज हम लोग बनाने वाले हैं बटर चीज सैंडविच, ठीक है? फटाफट आपका बन जाएगा घर पे। जैसा मैंने एक और मैंने अपना सैंडविच डाला था ना, क्या उसका नेम था, बटर सैंडविच, ब्रेड बटर सैंडविच, कुछ उसी टाइप का है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजीनेस इसके अंदर में आएगा। ज्यादा चीज के स्लाइसेस की भी जरूरत नहीं है, एक ही लगाएंगे। चलिए फटाफट देखते हैं मैंने कैसे बनाया। बटर चीज़ सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हुई है 4 स्लाइसेस ब्रेड के, आपको भी इतनी ही लेनी है। मैं ब्राउन ब्रेड यूज कर रहा हूँ, व्हाइट भी कर सकते हो, लेकिन ये छोटी वाली नहीं करनी है, बड़ी वाली हम लोग करेंगे। व्हाइट वाली अभी रिजेक्टेड है, ठीक है? ये भैया बड़ी वाली हमने करनी है। एक स्लाइस मैंने लिया हुआ है चीज का, और ऐसा भैया स्लाइस किया हुआ हमें चाहिए बटर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्लाइस करना है। ये देखिए, ऐसे हमने भैया रखना है, That's it। चाकू की हेल्प से ऐसे स्लाइस कर देना है। इसके लिए आपको आपका बटर फ्रिज में रखा हुआ होना चाहिए। अब भैया आधा आधा यही वाला स्लाइस मैं इसमें लगा दूंगा। ये बन गया हमारा 2 सैंडविच, ठीक है? अब मुझे इसका 1 बनाना है, 2 का 1 बनाना है। तो इसके लिए बीच में यहाँ पर अब हमने भैया ज्यादा थोड़ा बटर लगेगा, ठीक है ना? एक सैंडविच के ऊपर में ऐसे मैंने भैया अपना लंबा लंबा करके ऐसे बटर लगा दिया है। इसके ऊपर में एक ऐसे चीज का स्लाइस रखेंगे, दैट्स इट। अब मैं अपने बटर को भैया और इधर से पतला कर रहा हूं, लगा देते हैं इसके ऊपर में जैसे तैसे, उससे क्या मतलब है लंबा लंबा लगे या भैया छोटा वोटा लगे। अब मैं फेंकूंगा थोड़ी ना जो बचा हुआ है। भैया दैट्स इट, अब ये लग चुका है। अब अपने दूसरे सैंडविच के इसके ऊपर में रख दे, और एक साइड के ऊपर में सैंडविच के अभी हम बटर अपना लगाएंगे, क्योंकि दूसरे साइड पे अगर लगाएंगे तो वो इधर उधर लग जाएगा ना। ये देखिए, एक साइड के ऊपर में अभी हम लगा लेते हैं बटर, दैट्स इट। चलिए अब हम अपना टोस्टर गरम करते हैं। टोस्टर है अब हमारा प्री हीट, अब हो चुका है लो, अभी फ्लेम है। रखते इसके अंदर में बटर वाला साइड को नीचे रखेंगे, ये देखिए, That's it। अब इसे ध्यान से, मतलब इसके ऊपर में थोड़ा सा और हमने बटर लगा देना है दूसरे स्लाइस के ऊपर में। अब इसे हम लोग बंद करते हैं, एकदम बराबर इसे करके बंद कर दे। थोड़ा सा आपका बाहर निकलेगा ही निकलेगा, वो तो जरूरी है। इसे हम लोग नाइफ की हेल्प से ऐसे कट कर देंगे, बहुत ज्यादा इजिली कट हो जाता है। ये देखिए, अब हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है दोनों ही साइड। लोही अभी फ्लेम है, ये देखिए भैया एक साइड बिल्कुल बन चुकी है, दूसरी भी बनी जाएगी, दूसरी भैया बन गई है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं, दैट्स इट, लेट मी कट इट। So, अब आप लोगों ने भैया देख लीजिए अपनी रेसिपी अपने घर पे बनाए और एंजॉय करें, बढ़िया से भैया खाओ। सुबह का ब्रेकफास्ट तो बढ़िया ही होना चाहिए, ठीक है ना? टेस्टी टेस्टी होना चाहिए, खाओ बड़े मजे करो।